स्नेक्स। जब भी हम सांपों का नाम सुनते हैं, सबसे पहले मोस्टली लोगों के दिमाग में एक ही सांप का नाम आता है, वो है किंग कोबरा। अब वो इसलिए आता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही पॉइजनस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, जिनसे दूरी बनाए रखना ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे वेनमस स्नेक यानी कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किंग कोबरा लिखने वाले हैं तो वो जवाब गलत है, मैं पहले ही बता दूँ। दुनिया का सबसे वेनमस स्नेक जो है उसका नाम है इनलैंड ताइपैन। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट तो देखा नहीं होगा, जिसमें ऑस्टिन स्टीवंस या फिर नाइजल मार्वन जैसे लोग जो है स्नेक्स को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप इनलैंड ताइपैन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको हैरान कर देंगी। इनलैंड ताइपैन स्नेक्स की जो स्पीशीज़ है वो इंडिया या फिर अफ्रीका में नहीं पाई जाती, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, मीडियम साइज़ के होते हैं। और इन सांपों की लंबाई अराउंड 8 फीट के आसपास तक हो सकती है, आप कह सकते हैं 2 मीटर के आसपास तक। और बात करें इनकी तो ये पेड़ों पर रहने वाले सांप नहीं है, ये ज़मीन पर ही घूमते हैं। पेड़ों पर रहने वाले काफ़ी ऐसे वेनमस स्नेक्स हैं जैसे कि ब्लैक मांबा हो गया, जो कि पेड़ पर रहना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इनलैंड ताइपैन जो है वो ज़मीन पर चलना ही पसंद करते हैं। और रात के टाइम में इनका आई साइट और सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहता है, और ऑलमोस्ट सभी स्नेक्स की तरह ये भी गर्म चीज़ों को भाप सकते ही इजीली उनकी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से, जो कि वो टंग से सेंस कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ कि क्यों इनलैंड ताइपैन दुनिया का जो है सबसे जहरीला सांप है। एक आइडिया के अनुसार अगर एक इनलैंड ताइपैन किसी को बाइट करे एक बार, तो एक बाइट में वो इतना जहर निकाल सकता है कि वो 100 लोगों की जान ले ले और 2.5 लाख से ज़्यादा चूहों को एक साथ मार दे, वो भी सिर्फ एक बार की बाइट में। और दूसरी बात जो कि आपको जाननी ज़रूरी है कि इनलैंड ताइपैन जो है एक बार में 8 से भी ज़्यादा बार बाइट कर सकता है। हालांकि हर बार जहर की क्वांटिटी उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी 8 बार बाइट करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर किसी छोटे मैमल को या फिर किसी एक बड़े इंसान को बाइट कर ले 8 बार, तो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो सकती है अगर एंटीवेनम ना मिले आधे घंटे के अंदर अंदर। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखिए कि इनलैंड ताइपैन एक बार की बाइट में इतना जहर निकाल सकता है कि 100 लोगों को और 2.5 लाख से ज़्यादा चूहों को एक साथ मार सकता है। और बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो आप उसको ये आंसर दे सकें। लेकिन वो स्पाइडरमैन के दादाजी ने जो उसको बताया था, वो तो आपको याद ही होगा कि कोई भी अगर सुपर पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये इनलैंड ताइपैन हालांकि दुनिया का सबसे ज़्यादा वेनमस स्नेक है, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि हर किसी को काटता रहे रैटल स्नेक की तरह या फिर जो दूसरे वेनमस स्नेक होते हैं उनकी तरह। इनलैंड ताइपैन काफ़ी समझदारी से काम लेता है और जो है मौका देख के ही वो शिकार करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब खतरा लगता है, तभी जाके वो अटैक करता है। अब अगर आपको अभी तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आने वाली किसी वीडियो में आप टॉप 10 वेनमस स्नेक्स के बारे में जानना चाहेंगे या फिर नहीं जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर एक एनिमल का कोई ना कोई प्रेडेटर ज़रूर होता है, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो। तो इनलैंड ताइपैन, जिसको कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप का दर्जा मिला हुआ है, उसका भी प्रेडेटर है जो कि एक सांप ही है, जिसका नाम है किंग ब्राउन स्नेक और दूसरा है मॉनिटर लिजर्ड। अब मॉनिटर लिजर्ड को तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जो कि ऐसा दिखता है और काफ़ी टाइम देखा भी होगा, इंडिया में भी काफ़ी सारी जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन किंग ब्राउन स्नेक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी वेनमस होते हैं और इनकी वेनम की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक नॉर्मल स्नेक के मुकाबले। तो अगर आप किंग ब्राउन स्नेक के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं कि इनलैंड ताइपैन स्नेक जो है खाते क्या है। हालांकि ये उतने बड़े साइज़ के नहीं होते, जैसे कि बताया 2 मीटर के आसपास होते हैं, 8 फीट के आसपास। तो ये छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे एम्फीबियंस को खाते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया या फिर छोटे छोटे चूहे हो गए और गिलहरिया वगैरह होगी, इन जैसी जो जानवर है इनको खाते हैं। ये कभी कभार बर्ड्स को भी पकड़ लेते हैं अगर मौका मिले तो। और इनका वेनम तो इतना डेंजरस है कि अगर किसी को बाइट कर ले एक बार तो उसकी बॉडी तुरंत ही पैरालाइज होने लग जाती है कुछ ही मिनट में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनलैंड ताइपैन का मेटिंग टाइम दिसंबर के टाइम में होता है, और जब ये मेट करते हैं तो उसके बाद फीमेल्स जो है अराउंड 12 से लेके 24 अंडे तक दे सकती है, जिनमें से 2 महीने बाद बच्चे निकलते हैं।
तो ये था हमारा आज का एपिसोड वर्ल्ड के सबसे वेनमस स्नेक इनलैंड टाइपेन के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप टॉप 10 वेनमस स्नेक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उस पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।